राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला शिशु जगत। शिशु जगत में आज सुनते हैं कार्यक्रम राजा और जिन। आलेख मधुबी जोशी का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभुदयाल खट्टर। एक था राजा। एक दिन किसी ने राजा को जादू के जिन की कहानी सुनाते हुए कहा, जिन से जो चाहे सो काम करा लो, जिन से अरे जो चाहे सो काम करा लो, रातों रात नहर खुदवा लो, पर्वत को मैदान बना लो, जंगल में महल बनवा लो, जो चाहे सो काम करा लो, जो चाहे सो काम करा लो जिन से। राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा, अगर मुझे जिन मिल जाए, अरे अगर मुझे जिन मिल जाए, मैं उससे सोना मांगूंगा, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, जाने में क्या क्या ले लूंगा। अगर मुझे जिन मिल जाए, अरे अगर मुझे जिन मिल जाए। बस उसने कई लोगों से पूछा कि जिन कैसे मिल सकता है। कोई बोला, पर्वत की खोहों में शायद हो सकता है जिन रहते हों, पर्वत की खोहों में शायद हो सकता है जिन रहते हों, ठीक ठीक तो नहीं जानते, ठीक ठीक तो नहीं जानते, शायद पानी में बहते हों। राजा को तो धुन लग गई थी। वो सोते जागते चलते फिरते सदा जिन को ढूंढता रहता। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गया। राजा घोड़े पर चला जा रहा था कि उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, राजा जी महाराज, अजी महाराज, जरा सुनिए तो। राजा ने घोड़ा रोक दिया। उसने जोर से पूछा, कौन हो तुम, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ महाराज, आपके पैरों के पास पड़ी बोतल में। राजा ने बोतल को उठा लिया और पूछा, लेकिन तुम हो कौन? महाराज मैं एक जिन हूँ। जिन हो? जिन की बात सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ। वो तो चाहता ही था कि उसे कोई जिन मिल जाए। उसने फौरन बोतल का ढक्कन खोला और लो, उसके सामने एक जिन खड़ा था। मैं जिन अलाउद्दीन, मैं हूँ जादू का राजा। भाई कमाल है। मैं आपका गुलाम हूँ, जो कहेंगे मानूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। कहो क्या शर्त है तुम्हारी? आप मुझे रोज एक नया काम बताएंगे, किसी भी काम को दोबारा करने को नहीं कहेंगे। जिस दिन आप मुझे नया कोई काम नहीं बता सकेंगे, उस दिन मैं आपका जो सबसे प्यारा हो, उस मनुष्य को खा जाऊंगा। ठीक है, तुम हमें
हमारे महल में पहुंचा दो। जो आज्ञा महाराज। अगले ही पल राजा और जिन महल में पहुंच गए। अब तो राजा के बड़े ठाट हो गए। उसे दूसरे राजाओं का डर हमेशा बना रहता था, इसलिए उसने जिन से अपने राज्य के चारों ओर एक मोटी मजबूत दीवार बनवा दी। वो रोज जिन को एक नया हुक्म देता। जिन, नदियों का पानी मीठा कर दो। अभी लीजिए मेरे मालिक। आज बाग में सोने के पेड़ों पर चांदी के पत्ते लटका दो, हीरे के फल उपजाकर मोती के पंछी ला दो। जो आज्ञा। राज भर के लोगों के भर दो तुम भंडार, बच्चों को दो हलवा पूरी, बीमारों को 100 अनार। हुक्म बजा लाता हूँ आका। इस तरह राजा का राज्य इतना सुंदर हो गया कि पूछो मत। लेकिन सच पूछो तो राजा था बड़ा परेशान। वो ऐसे कि उसे रोज जिन के लिए कोई नया काम ढूंढना पड़ता था। राजा को समझ नहीं आता था कि वो जिन से अब क्या करवाए। बांध, सड़कें, नहरें, बाग बगीचे सब तो बनवा चुका था वो जिन से, और परियों का नाच भी देख चुका था। आखिर एक दिन ऐसा आया। आज के लिए काम बताइए मेरे मालिक। जाओ एक ऊंचा बांध बना दो। वो तो मैं बना चुका महाराज। तो नदियों का पानी मीठा कर दो। वो भी कभी का हो चुका। तो आज कोई काम नहीं है। शर्त के मुताबिक मुझे राजकुमार को खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही आपका सबसे प्यारा है। अभी जिन राजकुमार पर झपट ही रहा था कि राजा अचानक बोला, ठहरो जिन, याद आया, तुम एक काम कभी नहीं कर सकते। कौन सा काम महाराज? तुम इस डिबिया में नहीं घुस सकते। घुस सकता हूँ, याद है मैं आपको बोतल में मिला था। हाँ, तुम बोतल में तो घुस सकते हो, मगर मैं डिबिया की बात कर रहा हूँ। ये बात है तो अभी देखिए। जैसे ही जिन डिबिया में घुसा, राजा ने डिबिया बंद कर दी। राजा ने डिबिया को समुद्र में फिकवा दिया और इस तरह जिन से छुटकारा पाया। राजा और जिन। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित और प्रस्तुत किया गया।